मॉर्निंग नहीं, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं जमान पार्क में मौजूद हूं। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज इमरान खान साहब की प्रोटेक्टिव बेल कैंसिल हो गई है, लेकिन अवाम कितनी उनके साथ है ये मैं आपको सबूत दिखाने के लिए जरा इधर आ जाए कैमरा में। सब मेरा गुजर हो रहा था यहाँ से, ये देखते जाए। ये कोई इसमें किसी निजी चैनल का किसी लिफाफे से हाथ उठा, ये कोई वो नहीं है कि हम कोई अपनी तरफ से कार्रवाई डाले। ये आप देखते जाए, आगे आते थे जरा कैमरा में, सब आगे आते थे, ये देखते सिर्फ ये दिखाना है कि इन लोगों के बिलावल हाउस, इन लोगों के प्राइम मिनिस्टर हाउस, इन लोगों के निगरान वजीर आला हाउस, वहाँ सरकारी मुलाजमीन के अलावा वो भी बेचारे मजबूरी में खड़े हैं कि हम नौकरी से ना बर्खास्त हो जाए। कोई पाकिस्तानी नहीं खड़ा, इधर सारे लोग अपनी मर्जी से आए हैं। कोई इस वजह से नहीं आया कि खान ने उसे नौकरी देनी है या खान ने उसे कोई लालच देना है। आज नहीं आए, हम रोज आते हैं। कैसे लोग मौजूद है यहाँ, आते जाए आगे आते जाए। आपकी मोहब्बत है, ये देखते जाए, ये देखते जाए। ये सिर्फ उनको नजर नहीं आएंगे जिनके दिलों पे मोहर लगी है, जो उनको जिनके बारे में आंखें हैं देखते नहीं, कान हैं सुनते नहीं, जुबान है बोलते नहीं, उनको नहीं नजर आएंगे। क्या आगे आते हैं, ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। तुसी खान नू, तुसी खान दे किसी, मेरा ख्याल है तुसी खान दे जुत्ती नहीं फड़ सकते, तुसी खान दा वास्कट नहीं फड़ सकते, ओदी पेशाबी चप्पल नहीं फड़ सकते। आगे आते जाए, आगे आते जाए। देखते जाए, बस मेरा काम है आपको दिखाना कि कैसे झूठ बोला जा रहा है कि जो चंद सौ बंदा खड़ा है वो सिर्फ लिफाफा सहाफियों की उसमें होगा या नहीं है, देखते जाए। सारी आवाम आपने देख ली है, मैं आगे जाता जाऊंगा वो आखिर तक इसी तरह आवाम है। ये आवाम है, ये मोहब्बत से, ये भाई खड़े हैं, ये भाई खड़े हैं। भाई आप जरा ऊंची बोले, मेरा मोबाइल चोरी हुआ था। आपने कहा था छोटा छोटा नवाज शरीफ, छोटा छोटा नवाज शरीफ है, इधर इधर भी है, फिर मैं भी अपना मोबाइल सब। ये भाई के बकौल यहाँ मोबाइल की हिफाजत करें, क्योंकि यहाँ कौन है ऊंची बोलो, छोटे छोटे नवाज शरीफ आते हैं, मेरा खुद मोबाइल चोरी हुआ। ठीक है, ठीक है। आप ये क्यों हैं, और भाई मौजूद, एक सेकंड, आप क्यों हैं? मैं यहाँ पे ऊंची बोले, ऊंची इमरान खान के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। किस लिए आए हैं? कोई इसको गिरफ्तार ना कर सके। मेरी माँ ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी अगर इमरान खान ने जो है ना, इमरान खान गिरफ्तार हो गया तो। आपकी वालदा ने कहा दूध नहीं बख्शेंगी अगर खान गिरफ्तार हो गया, आप खाली हाथ वापस। कहा कि तुमने अपनी गिरफ्तारी दे देनी है। ये देखे जज्बा यार, ये सारे लोग, ये एक जज्बात की इंतहा है। तो कहने का मकसद ये है, वो कहते हैं जब मखलूक खुदा किसी के साथ हो तो समझ जाओ कि उसकी आवाज सुनो। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, इधर मैं किसी भाई को नहीं बुलाया सिवाय ये मेरे, जो मेरा कैमरा मैन है ये जरूर मेरा भाई है। यानी ये खुद आपको ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। आप बात करो है, ये खान साहब के डीजे खड़े हैं। यानी कहने का मकसद है ये लोग हैं, ये मोहब्बत में खड़े हैं। तो मोहब्बत में जिसके साथ खड़े हो। और दूसरी बात, लास्ट बात, आप लोग बेसिकली आप में सवाम पे ना अजाब बल्कि अजाब से सख्त वर्ड जहन्नम में डाल दिया गुरबत की सवाम को, और उस जहन्नम की तकलीफ से कि उनकी चीखे ना निकले आप बार बार कहते हो खान को गिरफ्तार कर लो, और कोई वजह नहीं है। मैं गल को देखो, पैदल आए ने, पैदल आए हैं। कम से कम 35-40 किलोमीटर होगा, 35-40 किलोमीटर है। ये जज्बा है। बस अल्लाह अपने दीन के साथ इस्लाम के सबके हम सब इंसान बना करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर ब्लासू का जज्बा।